अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। तो ये हो रहा है शाम का टाइम, तो मैं जो है वो अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ। मैं गई थी बाहर, मुझे जाना था, कुछ जो है वो सामान वगैरह लाना था, वेजिटेबल्स वगैरह लाने भी ख़त्म हुई थी। तो मैं गई तो जिनकी वागन थी मेरी बेटी की, वो जो है मेरे हस्बैंड की गाड़ी में पड़ी हुई थी। जी 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 तो वो जो है मैं फिर नीचे जा के जो मैं ऊपर वापस आ गई, क्योंकि जो है वो उसको मैं इसके बगैर वागन के बगैर ले जा नहीं सकती थी। तो आप ये देखें, उसको मैंने पूरा पैक किया, मैंने कहा इसको मैं इसमें ले जाऊंगी तो दूसरे वाले में नहीं डालूंगी, क्योंकि मुश्किल होता है निकालना डालना फिर इस तरह। या नहीं आप लोग देख सकते हैं मेरी बेटी ने भी जो है वो हल्का फुल्का हरकत करनी शुरू की है। हरकत मतलब मस्तियों वाली हरकतें, बातें करती है। या आप क्या कर रहे हो, आप कैसी हो। तो मैं बस अभी चाय बना रही हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को टेक्स्ट किया, मैंने कहा कि आप जो है वो आते वक्त ले लिया टमाटर वगैरह, मैंने लोबिया बॉयल किया था। मैंने कहा चलो आज डिनर में जो लोबिया बनाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया कि हम लोगों ने लोबिया नहीं बनाया ना। एक मतलब वो बनाया था लेकिन वो जो अच्छा नहीं था, तो मैंने कहा चलो दोबारा जो है नहीं बनाती थी से दूसरा ले आऊँगी। मिनसा को लगता है पसंद नहीं। अच्छा जी ले लो, आपने सोना है आई थिंक, सो मैं नीचे कर दे दूँ। मैं इसके अंदर मिनसा को नहीं डालती, वैसे ही गाड़ी के लिए होता है, जब आप गाड़ी में जाते हो यहाँ पर अलाउ नहीं है कि आप बच्चे को गोद में डाल के ले जा सको या इस तरह ना। तो ये रखा हुआ है गाड़ी के लिए, लेकिन बाद में उसको उसके अंदर पैक करके मैं ऐसे भी डाल देती हूँ कि इसके अंदर ईजिली सो जाती है। अभी तो ये छोटी है, तो इसलिए मैंने कहा चलो इसको यूज़ कर लो, यूज़ नहीं करो वैसे ही ज़ाया ही हो जाएगा। ज़ाहिर है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इसके अंदर तो नहीं आ सकता। तो बस जो है यही चीज़ें हैं। तो आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने लोबिया बॉयल करके रखा, मैंने पानी के अंदर छोड़ा है थोड़ा पानी, बाकी जो मैंने गिरा दिया था थोड़ा मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा उस तरह लोबिया जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो इस तरह बेहतर है कि थोड़ा पानी में इसको जो है छोड़ दिया जाए। तो मैं जो है अभी चाय के अंदर पत्ती डालने लग गया, तो मैं डब्बे के समेत ही ऐसे ढेल देती हूँ बीच में, लेकिन अभी मैंने कहा चलो जो है वो रिमेनिंग पत्ती मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान में तो हम नॉर्मली यूज़ करते थे टपाल की टी, तो जो है वो अभी जो है यहाँ पर सॉरी टपाल की बोल गई, लिप्टन, लिप्टन जेरो लेबल, लिप्टन मेरी फेवरेट टी है, लेकिन यहाँ पर लिप्टन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जो पाकिस्तानी स्टोर से मिलती है वो ज़्यादातर टपाल मिलती है, ताजमहल इंडियन है वो मिलती है, और एक और पता नहीं कौन सा वाली है वो मिलती है। तो मैं अक्सर जो इस तरह डिब्बे को पकड़ के चाय के अंदर ढेल देती हूँ, तो अक्सर एक मतलब ऐसे जो पत्ती ज़्यादा डल गई, मुझे ज़्यादा कड़वी चाय में पीना पसंद नहीं करती, तो जो है मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब पत्ती थोड़ी नॉर्मल होनी चाहिए। यहाँ पर आपको पता है ये लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो जो है कॉफ़ी हर जगह अवेलेबल होगी आपको, तरह तरह की हर किस्म की बेस्ट क्वालिटी की आपको कॉफ़ी मिल जाएगी। तो मुझे भी कॉफ़ी मशीन भी लेनी है घर के लिए, कभी कभी दिल करता है कॉफ़ी पीने का, उसमें स्पेशली बाहर जाना चाहिए तो कभी मुश्किल हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है इस तरह। तो कोशिश करी हूँ किस दिन फ्री होगी लूँ। अक्सर जो हम लोग अक्सर रात को फ्री होते हैं तो देखते हैं तो शॉपिंग वगैरह के लिए ऑनलाइन क्या हमने भी स्टेल करवाना है, ऑर्डर करवाना है ना, तो हम अक्सर देखते रहते हैं, देखते देखते इतना थक जाते हैं फिर नींद आ जाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो है फूड रीन्स होती है उन्हें अर्ली मॉर्निंग जो है वो काम पर जाना होता है, तो इस वजह से मैं जो है वो फिर हम लोग जल्दी सोना पड़ता है। वो पाँच दफ़ा उन लोगों ने सुबह उन्होंने सुबह 4 बजे उठना होता है, और या 5 बजे उठना होता है, 6 बजे उन्होंने जो है काम स्टार्ट करना होता है, तो इस वजह से जो है वो ये रूटीन थोड़ी ख़राब है। क्योंकि कॉफ़ी मशीन जो है यहाँ पर नॉर्मल है, हर एक के घर में कॉफ़ी मशीन है, चाहे वो पाकिस्तानी है कोई दूसरे, क्योंकि यहाँ पर सब कॉफ़ी पीते हैं, तो यहाँ पर कॉफ़ी भी बहुत अच्छी होती है, इजीली आप अपने घर में बना सकते हो बिल्कुल मार्केट की जैसी। कॉफ़ी मशीन्स जो है यहाँ पर बहुत अच्छी हैं, इटालियन कॉफ़ी मशीन्स हैं, और यहाँ के काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, मुझे तो इतना है पता नहीं है। तो जो है वो बस यही चीज़ें यहाँ पर जो अच्छी मिल जाती हैं। तो मैं जो है सोचा कि छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाया जाए। अभी यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में बता रहे थे सब लोग कि काफ़ी ज़्यादा ठंड गर्मी हो गई है, तो यहाँ पर तो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठंड पड़ गई है अभी माशाल्लाह से, इतना अच्छा मौसम हो गया है। और मुझे तो पसंद है लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, और मुझे भी नहीं पसंद सर्दियाँ। वैसे नॉर्मली मेरा ये ख्याल है कि शाम थोड़ी जो लंबी होनी चाहिए ना, मुझे जो है गर्मियों की शाम जो है बहुत पसंद है, और सर्दियों की रात, क्योंकि सर्दियों की रात लंबी होती है, आप इजीली सो सकते हो आराम कर सकते हो,
और जहाँ गर्मी की शाम होती है आप बाहर जाओ, चहलकदमी करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, आउटिंग पे चले जाओ। लेकिन अंधेरा यहाँ पर गर्मियों में जो 9-1 बजे होते हैं, इसलिए मुझे गर्मी की शाम मतलब बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। तो अभी जो है वो सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में आपको पता है कितना ज़्यादा मतलब नहीं लोग करते करना बाहर निकलना यहाँ पर, लेकिन जिन लोगों ने बाहर निकलना होता है वो तो निकलते हैं। अब अगर किसी ने वॉक करनी है तो वो अर्ली मॉर्निंग, सो मैंने ऐसे लोगों को देखा, हमारे नेबर्स थे, तो मैं एक दिन सुबह उठी अपनी बेटी को फीडर देने के लिए, तो मैंने देखा सुबह 4 बजे का टाइम था, कितनी 6 बजे का था। तो 4 बजे की स्टोरी मैं आपको दूसरी मरतबा सुनाती हूँ। तो सुबह 6 बजे का टाइम था, वो औरत जो है वो कपड़े शपड़े मतलब पहन के, लॉन्ग कोट वगैरह, शूज़ वगैरह लॉन्ग पहन के, तो वो सुबह 6 बजे अपने कुत्ते को लेकर जब वॉक के लिए निकल गई। और एक दिन मैं 4 बजे उठी, तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि लोग किस कदर हार्ड वर्किंग है। सुबह मैं उठी 4 बजे, तो मैंने वैसे ही विंडो से बाहर देखा ना, तो मैंने देखा कि एक लड़का जो है वो न्यूज़पेपर डाल रहा है, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़पेपर का स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जॉब होती है। रात के 4 बजे और वो भी यक सर्दी के अंदर जो है वो बच्चा जो है वो न्यूज़पेपर डाल रहा था, घरों के जो है वो जो लेटर बॉक्स वाले डिब्बे होते हैं ना, वहाँ पर वो डाल रहा था। तो मैंने देखा, मैंने कहा देखो ये कौम इसलिए इतनी ज़्यादा कामयाब है कि ये इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मर्द औरतें जो है वो काम करते हैं। तो जो है वो बस आपको बताने का मकसद यही था कि जो मेरे जैसे निकम्मे लोग हैं वो थोड़े सुधर जाएं, क्योंकि निकम्मा बैठना अच्छा नहीं होता। आप देख लेंगे चूल्हे की सफाई सही नहीं हुई है, यस, क्योंकि मैंने जो है डीपली सफाई नहीं की। आज मैंने थोड़ा जो ब्रश के साथ नीचे से सफाई वगैरह कर दी, और उस तरफ मैं आपको दिखा रही थी उधर बोतलों का एक अंबार लगा हुआ है, जो हम लोगों ने जाना है जिस दिन शॉपिंग वगैरह करने के लिए, मतलब हमने ग्रॉसरी वगैरह करने जाना है, तो हम लोगों ने वहाँ पर वो बोतल जो है वो जमा करवानी है, तो वहाँ पर जो है वो ढेर लगा हुआ है। अभी मैंने जो है वो बर्तन धोए थे, तो वो मैं अभी बस अपने लिए चाय डालने के लिए कप निकालूँगी। सो ये मेरा कप देखे कितना अच्छा साफ हो गया है। कभी मैं कोशिश करती हूँ कि स्पून मशीन के अंदर ना ही धोऊँ, क्योंकि बस आप पता है बर्तन ज़रूरत पड़ते हैं तो आपको वेट करना पड़ता है। ओहो, क्योंकि हम लोग दो बंदे हैं तो हम लोगों ने चीज़ें भी उस हिसाब से रखी हुई हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं रखा, क्योंकि पता पाकिस्तान में ज़्यादा लंबी फैमिली वाला सिस्टम होता है, आया गया ये वो, तो उस वजह से लोग ज़्यादा रखते हैं, यहाँ पर वैसा सिस्टम नहीं है, तो इसलिए जो बर्तन भी कम है। कोशिश करें कि जब भी स्पून मशीन के अंदर बर्तन धोएं तो जो है वो कप को एक मतलब अच्छे से खंगाल ज़रूर लें, क्योंकि आपको पता है कि ये साबुन वगैरह होते हैं अच्छे से होते तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो एहतियात इलाज से बेहतर है। ये बर्तन आप देख रहे हैं एक गंदा, इसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स वगैरह अपने लिए कुक की थी खाने के लिए, लोबिया और ब्रोकली बीच में जो है वो बटर डाल के मैंने खाया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ चाय, आप देखेंगे मैं इतनी चाय पकाई हूँ, चीनी नहीं डाली क्योंकि मैं चीनी नहीं पीती चाय में, मैं जो है उस शुगर फ्री चाय पीती हूँ। ये भी मैंने जो स्पूल मशीन के अंदर धोया, कितना चमक रहा है ना बर्तन, यस। इसको जो वैसे तो ये जल्दी साफ़ हो जाता है, लेकिन ज़रूरी है कि आप जल्दी चाय बना, चाय वाला बर्तन अगर आपने फ़ौरन से नहीं धोना तो उसको आप जो है धो दो, क्योंकि मैं जो है अभी जाके चाय पीऊँ और थोड़ी देर बाद आके जो दोनों बर्तन धोती हूँ। तो बस ये था मेरा मिनी ब्लॉग आज का, तो जो है वो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।